माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो अभी एक मैच होने वाला है ललिका सैंडेटर लीग का, ईएलसी वर्सेस रियल बेटिस के बीच 1 घंटे 28 मिनट के बाद। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो गाइस आप जाकर जुड़ सकते हैं। और आपको बता दूं कि यही मेरा मतलब ओपन चैनल है, सो बी अवेयर फ्रॉम अनदर फेक चैनल्स। और दूसरी बात कि हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मैच की और ईएलसी वर्सेस रियल बेटिस। रियल बेटिस लास्ट के 3 मैच प्रॉपर मतलब हारती आ रही है, और वो भी एक भी गोल नहीं किया इन्होंने आखिरी 3 मैच में। 3 मैच से पहले जो गोल हुआ था उसमें ग्लासिस खेल रहा था, जब से इन्होंने ग्लासिस को एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे खिलाना शुरू किया तब से हार रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आज ग्लासिस को प्लेइंग 11 में लाएंगे तो जीत सकते हैं, नहीं लाएंगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर मैच का। और आगे से बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर जो कि है कीको कैसिला। बनता ही यही है, कीको कैसिला इज़ द मेन प्लेयर। इसकी जगह अगर आप सोच रहे हैं कि सी ब्रावो को लूँगा देन यू आर रॉन्ग, ब्रावो को नहीं ले पाएंगे हम। और ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन भी अगर होती तो भी ना मैं। और आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है जर्मन पेजला। जर्मन पेजला पिछले मैच में एटीएल के खिलाफ नॉर्मल खेल के गया, ऑलमोस्ट नॉर्मल भी क्या बोलूं, ओन गोल ही कर दिया ना, तो उस कारण पॉइंट हो गए माइनस। 3 गोल कंसीडेड हो गए, उसके बाद पासिस भी कम कंप्लीट किए थे, इंस्क्रिप्शन टैकल तो बिल्कुल किए ही नहीं। तो वो चीज़ से थोड़ा मैं परेशान हुआ कि जी पेजला जैसा मेन प्लेयर फ्लॉप गया पिछले मैच में। मोरेनो की बात करूँ रियल बेटिस का, मोरेनो मैंने आपको जब बोला जब पूरी टीम फ्लॉप होती है तो उसमें किसी एक प्लेयर की गलती नहीं होती, एक प्लेयर की कभी गलती नहीं होगी। अगर एक टीम हारती भी है तो एक प्लेयर की नहीं, सबकी गलती आती है फिर सारे प्लेयर्स की। और पर प्लेयर अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन हार जीत उनके हाथ में नहीं होती गाइस, वो तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मोरेनो और एच बेलरिन को लेना काफ़ी ठीक समझता हूँ। बेलरिन ना खेला तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, अभी आप सेव एंड वेट करके रखिए, बाकी ये दोनों तो कन्फर्म है। आगे से बात करें ई रोको की, रोको की जगह अगर रोको ना खेला तो यहाँ से आपने ट्राई करना है जे मौजिका को, ठीक है पहली करो। चलो मौजिका को ट्राई कर लो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास क्रेडिट इशू भी नहीं है तो मौजिका या रोको की अब हम कब तक वेट करें, ठीक है। तो वीडियो अभी 1.5 घंटा रह गया, लाइनअप्स में पता चल जाएगा। आगे से बात करें फैकिर की, देन यहाँ पे लूँगा नेबिल फैकिर को। पिछले मैच में 31 अक्टूबर को नहीं खेला था, बट अगर आपको नहीं पता तो आखिरी मैच में वापसी हो गई थी। फैकिर अगर खेलता तो लूँगा। जी रॉड्रिगस को अपने लास्ट मैच में रेड कार्ड मिला, अभी हालांकि कुछ ही दिन पहले मैच हुआ था, और ये देखो ये मैच नहीं था, इससे बाद में हुआ था, 2 मैच ऑलरेडी इनके बाद हो चुके हैं। तो इसलिए कैनल्स को मेन पोजीशन पे डालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, डब्ल्यू कर वालों को भी खिलवा देंगे लोग। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एफ टोर को लूँगा। यहाँ पर है फिडल टोर, फाइडल टोर वैसे मेरे को वो खास प्लेयर नहीं लगता एक्चुअली, मेरे पास भी ऑप्शन तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, जुएनमी को लेना चाहता था बट 3 स्ट्राइकर्स ऊपर नहीं ले सकते, तो मैंने जोर दिया जॉस पे, क्योंकि डब्ल्यू जॉस जब अपना डेब्यू मैच एक प्लेइंग 11 की तौर पे पास कर रहे थे रियल बेटिस की तरफ से, तो इन्होंने उस वक्त 2 गोल लगाए थे जबकि ये किसी की भी टीम में उस वक्त नहीं था। और इग्लेसिस की बात करूँ, बॉर्जा इग्लेसिस स्ट्राइकर के साथ साथ तेज तरार पेनल्टी टेकर, तो छोड़ा नहीं जा सकता है। नेल बॉय की बात करूँ, बॉय ने भी अपने आखिरी मैच में 2 गोल लगाए। और डी बेंडेटो को मैं वैसे ट्राई नहीं करता, मैंने आज तक इस प्लेयर को ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको भी राय नहीं दूंगा। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है ग्लासिस, वाइस कैप्टन है फैकिर। ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।